कैसे आप सभी मैं उनती मैम आपके अपने कंप्यूटर पर से मैं लेके आई हूं कैलेंडर की नेक्स्ट एपिसोड जिसमें मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कराने जा रही हूं तो आपका फर्स्ट टाइप मतलब नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है इसमें कहा गया है यदि दस मार्च को संडे है तो कौन कौन से दिवस पाँच बार आएंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सामान दिया गया मार्च तो हम जानते हैं मार्च में दिन कितने होते हैं मार्च में होते हैं थर्टी वन डेज जब मार्च में थर्टी वन डेज होते हैं तो दस मार्च से स्टार्ट किया गया है तो हम लास्ट के तीन डेज लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता है अट्ठाईस डेज जो होंगे वो सब में कॉमन होंगे तो अब लिख लेते हैं क्योंकि कुछ मंथ होते हैं थर्टी के है, कुछ होते हैं थर्टी है, के तो हम फेब्ररी के अकॉर्डिंग इसको करेंगे तो सबसे पहले अब देखें उनतीस तीस इकतीस ये तीन डेज जो हो गए वो आपके एक्स्ट्रा हो गए मतलब अट्ठाईस दिन तो सब में कॉमन ही होंगे तो ये हो गया उनतीस तीस इकतीस अब हम देख रहे हैं कि हमारा था क्या दस मार्च को संडे था जब दस मार्च को संडे था तीन डेट ये निकल गई तो हम क्या करें दस इकतीस में से हम नाइनटीन आ जाएंगे यानी कि नाइनटीन डेज आपके पास हो गए नाइनटीन डेज क्यों हो गए तो हम देख रहे हैं कि दस मार्च वो था और ये तीन डेज अगर हम इसमें कि दो डेज ले लें तो ग्यारह में से अगर हम इकतीस में से बारह को सब कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी उन्नीस अब ये उन्नीस जो हमारा आया है अब उन्नीस को हम हमारे कितने आए दिन आए हैं तो अब इसको हम सात से डिवाइड कर लें तो जब उन्नीस को हम सात से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा सात दूनी चौदह यानी कि रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है पाँच तो पाँच हमारा क्या हो गया रिमाइंडर तो पाँच के लिए कोड क्या होता है हम जानते हैं पाँच कैसा है और डेज है तो पाँच हो गया फ्राइडे अब हम जानते हैं पांच फ्राइडे के लिए हो गया तो तीन डेट्स रिपीट कर रहे हैं कौन कौन से दिवस यानी कि फ्राइडे के बाद सैटरडे रिपीट करेगा सैटरडे के बाद संडे रिपीट करेगा तो हमें सिक्वेंसली क्या गया फ्राइडे सैटरडे एंड संडे यानी कि यदि 10 मार्च को संडे है तो कौन कौन से दिवस पाँच बार आएंगे तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे दिवस पांच पांच बार आएंगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि नेक्स्ट टाइप का इसमें कहा गया पूनम जतिन से दो सौ दिन बड़ी है और मोना से तैतालीस वीक है यानी कि छोटी तैंतालीस वीक छोटी यानी कि तैंतालीस सप्ताह छोटी है यदि मोना का जन्म शनिवार को हुआ है तो जतिन का जन्म किस दिवस को हुआ होगा तो सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है पूनम जतिन से दो सौ तीस दिन बड़ी है तो पूनम को हम दिखा देंगे यहाँ पर और जतिन से कितने दिन बड़ी है दो सौ तेईस दिन तो यहाँ पे जतिन आ गए अब हमसे कहा गया है कि पूनम तो जतिन से दो सौ तीस दिन बड़ी हो गई और मोना से तैतालीस दिन तैतालीस वीक छोटी है यानी कि कौन छोटी पूनम छोटी है तो और हमेशा सेकेंड के लिए लगता है फर्स्ट वाले के लिए लगता है तो हम देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे कौन मोना ये क्या हो गई मोना महीना 43 दिन वीक हो गई यानी कि छोटी हो गई फिर सप्ताह अब हमको देखना है ये 43 सप्ताह छोटी हो गई तो जतिन का जन्म किस दिवस को हुआ होगा हमें ये बताना है तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर जो हमारा मंथ दिया है वो 43 वीक आपके पास दिए हैं और ये दिया है कि 23 223 दिन तो 223 दिन को हम क्या करें सबसे पहले हम डिवाइड कर दें 7 से तो हमें डेज पता चल जाएंगे कि कितने हैं? आपके रिमाइंडर बचे हैं दो सौ तेईस को हम डिवाइड करते हैं तो फिर तो फिर हम देख रहे हैं हमारे पास कितना बच रहा है छे। जब छे रहा है जब और हमसे कहा गया था कि यदि मोना का जन्म शनिवार को, को हुआ तो हमसे कहा गया था शनिवार को हुआ तो शनिवार को कहा गया था तो अब हम क्या करें इसमें प्लस छे और कर दें जो हमारा निकल के आया है तो शनिवार में प्लस छ करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी संडे मंडे ट्यूसडे, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्राइडे तो फ्राइडे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर यानी पूनम जतिन से दो सौ तेईस दिन बड़ी है और मोना से तैंतालीस दिन वीक सप्ताह छोटी है यदि मोना का जन्म शनिवार को हुआ है तो जतिन का जन्म फ्राइडे को हुआ होगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है प्रश्न भी आपका जो टाइप अभी मैंने करा है, उसी टाइप का है हितेश अरुण से चार दिन बड़ा है बलराम से 315 दिन बड़ा है बलराम का जन्म मंगलवार का हुआ तो दिनेश का जन्म किस दिवस को हुआ होगा तो सबसे पहले किसका जन्म पहले हम बलराम को उठाते हैं तो बलराम को हमने जब लिया तो कहा गया बलराम हितेश अरुण से चार दिन बड़ा है और बलराम से तीन सौ पंद्रह दिन बड़ा है कौन जो कि यानी कि जो सेकंड वाले के लिए लग रहा है तो अरुण को हमने यहाँ लिख दिया अरुण क्या हो गया तीन सौ पंद्रह दिन बड़े हो गए बलराम से और बल फिर कहा गया था हितेश अरुण से चार सौ दिन बड़ा है तो हितेश को हमने यहाँ ले आए हितेश कितने दिन बड़ा हो गया चार सौ दस दिन बड़ा हो गया अब पूछा गया है कि बलराम का जन्म मंगलवार को हुआ तो दिनेश का जन्म कब हुआ होगा तो दिनेश का जन्म के लिए पूछा गया है तो हम क्या करें इन दोनों को सम कर दें जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी पाँच दो सात यानी कि सात सौ पच्चीस तो सात सौ पच्चीस को हम क्या करेंगे अब सात से डिवाइड कर देते हैं तो कितने बार जाएगा सात अठी छप्पन सात छपन सात दसावन सत्तर तो सत्तर ले गए सेवन वन या सेवन ले जाते हैं बात वही है आपकी ट्वेंटी फाइव आया अब ट्वेंटी फाइव सेवन थ्री या ट्वेंटी वन तो हम देख रहे हैं हमारी वैल्यू कितनी बची फोर अब फोर ये हमारा बचा तो हमारे प्रश्न में कहा गया गया था मंगलवार दिया गया था तो हमसे कहा गया बलराम का जन्म मंगलवार को है तो दिनेश का जन्म किस दिवस को होगा तो हम क्या करेंगे जो हमारा प्रश्न आया है मंगलवार का जो उत्तर निकल के आया है, जो ऑट डेज आए हैं वो फोर है तो फोर को हम सब्टैक्ट कर दें तो हम देखेंगे मंगल में से चार दिन वापस पीछे चले जाओ तो आ जाएगा आपका मंडे संडे सैटरडे फ्राइडे यानी कि वैल्यू कितनी आ गई फ्राइडे फ्राइडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि देश अनुण से चार दिन दस दिन बड़ा है जो कि बलराम से तीन दिन बड़ा है यदि बलराम का जन्म मंगलवार को हुआ तो, तो दिनेश का जन्म किस दिवस को हुआ होगा दिनेश का जन्म फ्राइडे को हुआ था अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर जो कि आपकी स्क्रीन पर है ग्यारह जुलाई को ट्यूसडे है तो उस महीने में कौन से दिवस पांच बार आएंगे तो हमको दिया कौन सा गया है ग्यारह जुलाई दिया गया है तो हमें पता है जुलाई में भी इकतीस दिन होते हैं अब इकतीस में से अगर ग्यारह घटाएं और दो आप लास्ट वाले डेज रख लीजिए तो कितनी आ जाएंगी आपकी तीस इकतीस वाले दो गए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जब इकतीस में से ग्यारह दो तेरह घटा दें तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी हमारी अट्ठारह अब जो अट्ठारह आया है उसको हम क्या करेंगे अट्ठारह को हम सात से डिवाइड करेंगे जब सात से डिवाइड करेंगे सेवन टू जाए फोर्टीन बचा हमारे पास फोर रिमाइंडर अब ये फोर आया है फोर क्या और डेज हमारे निकल के आ गए हैं तो बताइए कौन कौन से दिन होंगे यानी कि अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस यानी कि चार दिन जो होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे कौन कौन से दिवस पाँच बार होंगे तो आप देखिए कि ट्यूजडे दिया था तो ट्यूजडे में से पहले हम चार को सब्क्ट करेंगे तो ट्यूजडे में से अगर हम चार को सब्लेक्ट करते हैं तो हम पीछे जाएंगे कितनी वैल्यू आएगी मंडे ट्यूसडे वेंसडे मंडे संडे सैटरडे फ्राइडे यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आ गई फ्राइडे आ गई अब फ्राइडे से आप चालू करिए दिनों को तो क्या आ जाएगा हमारा फ्राइडे एक बार फिर से सब्लेक्ट करके देख लीजिए मंडे संडे सैटरडे एंड फ्राइडे फ्राइडे के बाद आपकी वैल्यू आएगी सैटरडे संडे एंड मंडे यानी कि कौन कौन से दिवस आएंगे फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे दिवस पांच बार आएंगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव जो कि आपकी स्क्रीन पर है तो हमने देखा कि फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दस मार्च को संडे है तो कौन कौन से दिवस पांच बार आएंगे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर है कहा गया एक से चार सौ वर्षों तक कितने लीप ईयर होंगे यदि ए ऑप्शन छियानवे बी चौबीस सी सत्तानवे डी अड़तालीस तो हमको बताना है कि एक से चार वर्षों के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे तो लीप ईयर निकालने के लिए सबसे पहले हम एक से चार तक निकालना है हमें तो हम एक से सौ तक निकालेंगे फिर एक से दो दो सौ एक से तीन सौ तीन सौ एक से चार सौ के बीच में चौबीस लिपियर होते, होते हैं फिर दो सौ के बीच फिर चौबीस लिपियर फिर दो सौ एक से चार तीन सौ के बीच कितने आ जाएंगे चौबीस लिपियर फिर हमसे कहा गया तीन सौ एक से चार सौ के बीच जब तीन सौ एक से चार सौ के बीच में लेंगे तो एक एक्स्ट्रा और आ जाएगा यानी कि पच्चीस ईयर हो जाएंगे अब इन सबका हम सम कर देंगे तो चार तीन बारह बारह पाँच सत्रह का वन कैरी आठ और एक नौ सत्तानवे यानी कि नाइनटी सेवन तो एक से सौ वर्ष तक कितने लीप ईयर होंगे एक से सौ वर्ष तक सत्तानवे ईयर होंगे तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है कहा गया है एक से सौ वर्ष तक उनतीस फरवरी कितनी बार आएगी तो हमसे कहा गया उनतीस फरवरी पूछा गया है इससे पहले प्रश्न में पूछा गया था लीप ईयर तो हम जानते हैं कि जब फरवरी उनतीस की कब होती है जब लीप ईयर होता है यानी कि हमसे पूछा गया लीप ईयर कितनी बार आएगी एक से सौ वर्ष के बीच में तो अभी मैंने आपको बताया कि एक से सौ के बीच में चौबीस लीप ईयर होते हैं यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी फोर लीप ईयर एक से सौ वर्ष तक चौबीस लीप ईयर होंगे अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है कहा गया है 900 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी तो अभी हमने देखा है सिक्स नंबर क्वेश्चन में हमने क्या किया था एक से सौ तक निकाला चार सौ तक निकाला था तो एक सौ चार सौ के बीच में हमारे कितने आए नाइन्टी सेवन ईयर आए फिर अगर हम चार सौ से चार सौ एक से आठ सौ के बीच में ले लें तो हमारे कितने ईयर आ जाएंगे फिर भी नाइन्टी सेवन ईयर आ जाएंगे क्योंकि चार सौ वर्षो में निकाल हैं। फिर बचा कितना आठ सौ एक से नौ सौ के बीच हमें बताना है तो हमें पता था सौ एक से सौ के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं ट्वेंटी फोर अब इन सबको हम ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी इतनी आ जाएगी सात सात चौदह चौदह चार अट्ठारह का वन कैरी दस और ग्यारह इक्कीस दो सौ अट्ठारह हमारी यानी कि कितने ईयर होंगे दो सौ अठारह होंगे तो 900 सौ वर्ष में उन्तीस फरवरी कितनी बार आएगी तो यानी कि 900 वर्षों में उन्तीस फरवरी 218 बार आएगी 218 सौ इज द राइट आंसर इसका 24 एंड ये 97 अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन जो कि आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है तो नाइन नंबर स्क्रीन पर है आपकी सौ वर्षों में कितने विषम दिन होंगे तो हमसे पूछा गया कितने विषम दिन होंगे सौ वर्षों की बात की गई है तो हम कैसे निकालेंगे परम सौ को भाग कर दें किससे विषम दिन निकालने के लिए सात से अगर भाग कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी तो सौ वर्ष में कहा गया तो हम एक से सौ तक अगर निकाल तो हमारे कितने लीप ईयर आ जाते हैं लीप ईयर हमारे आते हैं लीप ईयर हमारे होंगे चौबीस तो जब जानते हैं कि एक से सौ के बीच में हमारे चौबीस लीप ईयर आ रहे हैं तो इन चौबीस को हम क्या करें सात से डिवाइड कर लें क्योंकि एक लीप ईयर में हमारा एक डे एक्स्ट्रा होगा तो यानी कि चौबीस दिन एक्स्ट्रा हो गए अभी चौबीस डेज हो गए हमारे एक्स्ट्रा अब इनको हम चौबीस को सात से डिवाइड कर लें तो जो सात को हम चौबीस से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कितने बार जाएगा सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन यानी कि हमारे पास कितना बच रहा है रिमाइंडर थ्री अब थ्री हमारा बच रहा है तो हमसे पूछा गया था विषम दिन तो सौ वर्षों में कितने विषम दिन होंगे यानी कि सौ वर्षों में हमारे तीन विषम दिन होंगे क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम कहते हैं विषम दिन और डेज विषम दिन भी बोल सकते हैं डेज भी बोल सकते हैं, यानी कि सौ वर्षों में हमारे तीन विषम दिन होंगे थ्री किस ऑप्शन में है। हमारे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन जो कि कहा गया है इसमें पी सप्ताह एंड क्यू दिनों में कुल कितने दिन होते हैं तो हमसे कहा गया है पी सप्ताह एंड क्यू डेज दिए गए हैं तो पी सप्ताह की बात की गई तो हमें पता एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो हम लिख लेंगे एक सप्ताह बराबर सात दिन तो जब एक सप्ताह में सात दिन हो गए तो पी सप्ताह में सेवन पे सेवन पे दिन हो जाएंगे और फिर कहा गया था क्यों दिनों में कुल कितने पी सप्ताह एंड क्यू दिन तो क्यों दिन बराबर क्यों ही रहेगा डे तो हमसे पूछा गया है पी सप्ताह एंड क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे कुल की बात की गई यानी कि जोड़ देंगे तो 7p q, तो हमारी वैल्यू कितनी सेवन पी प्लस क्यू डेज यानी कि सेवन पी प्लस क्यू डेज हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन सी में तो सी हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर क्योंकि हमसे पूछा गया पी सप्ताह एंड क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे तो पी सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में सात दिन तो सात सप्ताह तो पी सप्ताह में हो गए सेवन पी डेज एंड क्यू दिन कहा गया है तो Q दिनों में क्यू ही दिन रहे तो सेवन पी प्लस क्यू हमारा आंसर आ गया तो हमारा कौन सा ऑप्शन था हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया तो इसमें आज हमने कैलेंडर के दो तीन टाइप के क्वेश्चंस आज पढ़ लिए मैंने बताया था आपको कि एट टाइप्स के होते हैं जिनमें से मैंने पिछले दो क्लासेस में आपको दो तीन टाइप के क्वेश्चंस करवाए आज मैंने आपको दो तीन टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं और एक ही दो टाइप के क्वेश्चंस आपके बचे हैं और आपके एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन इसमें चैप्टर से कैलेंडर चैप्टर से आएगा ही आएगा तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू क्लास